बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं इब्रार हुसैन। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। रूरल हेल्थ सेंटर लुटन में तैनात इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर डेंटल सर्जन डॉक्टर रुखे जैनब को अपने शोबा से हटकर समाजी खिदमत सर अंजाम देने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। वोमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के जेर एहतमाम पहले वोमेन सेबेस्टेंसी अवार्ड की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें फराह मुख्तार शेख, नुमेरिया फाहद, फराह साकिब, नसीम अख्तर और फ्रीहा मुनीर की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर लुटन की अनचाई डेंटल सर्जन डॉक्टर रुखे जैनब को इनकी फील्ड से हटकर दूसरे समाजी शोबों में काबिले जिक्र खिदमात सर अंजाम देने के इतराफ में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा किया, जिस पर डॉक्टर रुखे जैनब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये आजाज़ इन्हें वालदैन की दुआओं, असातिज़ा की नसीहत के मुताबिक दिन रात मेहनत और लगन से काम करने के नतीजा में मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुखे जैनब है और मैं आरएचसी लुटन पे इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर और डेंटल सर्जन के फराइज अंजाम दे रही हूँ। 12 जून को वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुल्तान ने एक अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया था मुल्तान में, जिसमें उनके अपने मेम्बर्स के अलावा डिफरेंट फील्ड्स की जो ख़वातीन हैं उन्होंने उनको सराहा था अपनी फील्ड्स के अलावा काम करने के लिए और लोगों की खिदमत करने के लिए। उसमें एक रिसिपियंट अवार्ड की मैं भी थी। इसके अलावा अवार्ड रिसीव करने के अलावा मुझे वो इवेंट को होस्ट करने का भी ऑनर दिया गया था और मुझे अवार्ड दिया गया था बेगम फरुख मुख्तार ने, जो कि हेल्थ के शोबे में उनकी बेटी जिनकी एनजीओ है तारे ज़मीन पे के नाम से बहुत काम कर रही हैं लोगों की फलाह के लिए। बीइंग अ डॉक्टर, ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि जितनी भी वहाँ रिसिपियंट्स थी जिनको ये अवार्ड दिया गया उसमें आई वॉज़ द ओनली डॉक्टर, और एक डॉक्टर होने के नाते ये एक बड़ी खुशी की बात है कि एक डॉक्टर को इतना सराहा जाता है। इससे ये होता है कि आपके जो आगे आने वाले दूसरे डॉक्टर्स हैं उनको भी थोड़ी सी हौसला अफजाई मिलती है और उनके लिए भी एक एक पाथवे बन जाता है दैट दे हैव टू फॉलो। थैंक यू। रूरल हेल्थ सेंटर लुटन में तिब्बी सहूलियत बारे बताया कि रोजाना 250 तक मरीजों को ओपीडी में चेक किया जा रहा है। अस्पताल में मरीजों को हमारा किस्म अद्वियात, एक्सरे, डिलीवरी की सहूलत 24 घंटे फ्राहम की जा रही है, जबकि एमरजेंसी में भी 24 घंटे काम जारी है। तिब्बी सहूलियत की बेहतर फ्राहमी में उन्होंने सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल, डीएचओ डॉक्टर खालिद जावेद और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीएचएफएमसी डॉक्टर आबद गिल की काविशों को सराहा, जिनकी बदौलत वो आवाम को मिसाली इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम करने में कामयाब हुई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चलता टीवी।